hey hello everyone how are you all i hope you all are fit as fiddle and staying at home safely and studying too so as you all know that in our previous video we have talked about the chapter a question of trust we have read half of the chapter and in today's video we're gonna complete the chapter okay so before starting the video let's have a quick recap of our previous video ओके okay, तो जैसा कि आप सब जानते हैं पिछले वीडियो में हमने बात की है एक बहुत ही ओनेस्ट और रिस्पेक्टेबल चोर की जिसका नाम है होरेस डेनबी उसे रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है और इसीलिए वो हर साल एक तिजोरी चुराता है इस साल भी वो उम्मीद करता है कि बाकी सालों की तरह इस साल की चोरी भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी और वो बिना कोई निशान छोड़े आसानी से चोरी कर लेगा वो शोडोवर ग्रेंज के एक घर में इस बार चोरी करने वाला है घर का अच्छे तरीके से इंस्पेक्शन करने के बाद वो घर में एंट्र हो जाता है लेकिन उसको फीवर की वजह से काम में काफ़ी परेशानी होती है और तभी उसे सडनली एक विमेन की आवाज़ आती है जो उससे पूछती है कि ये हे फीवर है या कॉल्ड है अब स्टोरी में आगे क्या होता है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम

ये बहुत ही शांत और दयालुतापूर्ण आवाज थी लेकिन इसमें एक स्थिरता भी थी अ वेमेन वो स्टैंडिंग इन द डो वे एक औरत जो कि दरवाजे के रास्ते में खड़ी थी एंड शेरी वोज रबिंग अगेंस्ट हर और शेरी उसे, उसके मतलब आ, क्या कर रहा था रब कर रहा था उसको ओके शी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड वो युवा थी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और उसने रेड ड्रेस पहन रखी थी शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रीटिन द ओनमेंट्स दियर वो फायर प्लेस के पास जाती है फायर प्लेस देखो ये यह यहाँ पर हमें शो किया गया है दिस इज़ कोल्ड फायर प्लेस ये स्पेशली उन ठंडे इलाकों में पाया जाता है कि वो अपने घर को गर्म रखने के लिए इस तरीके के फायर प्लेस का इस्तेमाल करते हैं तो वो फायर प्लेस के पास जाती है और अपने जो गहने हैं उनको निकाल कर वहाँ रखती है डाउन शेरी सी सेल शी सेल उसने कहा कि शेरी नीचे बैठ जाऊँ एनी वन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ शी स्माइल डेट हॉर्स एंड वेंट ऑन कौन सोचेगा कि मैं एक महीने तक यहाँ पर नहीं थी वो हॉरस की तरफ देख कर मुस्कुराती है और चलती जाती है हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम लेकिन जो भी हुआ मैं समय पर वापस लौट आई दो आई डेंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्जलर लेकिन मैंने ये तो नहीं सोचा था कि घर पर आकर मैं एक सेंधमार से मिलूंगी या एक चोर या लुटेरे से मिलूंगी। हॉरिस हैड सम हॉप बिकॉज शी सीम टू बी एम्यूज़ एट मीटिंग हिम हॉरिस को उम्मीद थी कि शायद वो लेडी उसे कुछ नहीं कहेगी क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो उसे देख खुश है ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे वो परेशानी से बच सकता है अगर वो इस लेडी को अच्छे तरीके से ट्रीट करता है he replied I didn't expect to meet one of the family तो मैंने भी तो ये नहीं सोचा था कि मैं किसी फैमिली मेम्बर से यहाँ मिलूँगा क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने जितनी भी इंस्पेक्शन की है उस हिसाब से तो पूरी फैमिली लंडन में रहती है और जो सर्वेंट्स हैं वो तो आज मूवी देखने वाले हैं और वो तो चार घंटे से पहले नहीं आने वाले थे तो मैंने भी ये नहीं सोचा था कि आप यहाँ मिल जाएंगे शी नोडेड तो उसने सिर हिलाया आई सी वॉट एन इनकनवीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मेक मी हाँ मैं समझ सकती हूँ आपको कितना असहज लग रहा होगा कि मैं आपसे यहाँ मिली हूँ वॉट आर यू गोइंग टू डू अब आप क्या करने वाले हैं माई फर्स्ट थाट वॉज़ टू रन मेरा पहले तो विचार था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ ऑफकोर्स निस्संदेह यू कुड डू दैट तुम ऐसा कर सकते थे बट आई वुड telephone द पुलिस एंड टेल them अबाउट यू लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी और तुम्हारे बारे में उन्हें सब बता दूँगी दे वुड गेट यू एट वंस और वो तुम्हें एक बार में ही पकड़ लेंगे तो तुम सोच लो अब तुम्हें करना क्या हैरिस ने कहा आई वुड कोर्स कट द टेलीफोन वॉयस फर्स्ट आपको क्या लगता है कि मैं वेट करूंगा कि आप जाके पुलिस को कॉल करें और पुलिस मुझे पकड़ने आए अरे ओबियस सी बात है पहले मैं जाके टेलीफोन की वायर कट करूँगा एंड देन और उसके बाद ही हैज़िटेटेड वो थोड़ा हिचकिचाया अस्माइल ऑन इज फेस उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी ई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर समाइम पहले मैं ये निश्चित करूँगा कि कुछ समय के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाए अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ और मेरे लिए कुछ घंटे काफ़ी रहेंगे शी लुक डेट हिम सीरियसली वो उसकी तरफ गंभीर रूप से देखती है यू वुड हर्ट मी क्या तुम मुझे चौट पहुँचाओगे हॉरिस पोस्ट हॉर्ज रुका एंड देन सैड और तब कहा आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू Uh, मुझे लगा कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ वन आई सेट दैट जब मैंने ऐसे कहा यू डीन फ्राइटन मी तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं डराया हॉरस सजेस्टेड हॉरस ने कहा इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फर्गेट यू एवर सो मी तो बेहतर रहेगा कि आप भूल hmm. ही जाएं कि आप इस घर में किसी से मिली थी मी गो मुझे जाने दीजिए द वॉइस वॉज सडनली शार्प आवाज़ अचानक पैनी हो गई वाई शुड आई मैं क्यों जाने दूँ भला तुम तो मेरे घर में चोरी करने आए हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ कैन बी पॉसिबल यू वर गोइंग टू रॉब मी तुम मेरे घर पे चोरी करने आए थे इफ़ आई लेट यू गो अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी यूल ओनली रोब एल्स तो तुम किसी और के यहाँ चोरी करोगे सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू इस समाज को तुम्हारे जैसे इंसानों से बचाने के लिए कुछ तो करना चाहिए हॉरिस स्माइल्ड हॉरिस मुस्कुराता है उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ जो समाज के लिए खतरनाक हूँ या मैं समाज को डराने धमकाने का काम नहीं करता हूँ आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज अ लॉर ऑफ मनी मैं केवल उन्हीं घरों में से चोरी करता हूं जिनके यहां पर बे पैसा है आई स्टील फॉर अ गुड रीजन मैं एक बहुत ही अच्छे कारण के लिए पैसे चुराता हूँ एंड आई हेड द थॉर ऑफ प्रीजन और मुझे जेल जाने के तो विचार से ही बहुत डर लगता है शी लाफ्ट वो हस्ती है वो भीख मांगता है मतलब बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाता है थिंकिंग दैट ही हैड परसिड हर और उससे लगता है कि उसने उस लेडी को मना लिया है लक देखो आई हैव नो राइट टू एस्क यू फॉर एनी थिंग मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं तुमसे कुछ पूछूँ

है ना ऐसा ही यहाँ शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड वो अपना सर हिलाते हुए उसके पास जाती है आई हैव ऑलवेज लाइक द रोंग कान ऑफ पीपल मुझे हमेशा से ही गलत लोग पसंद है शी अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट वो टेबल से एक सिल्वर बॉक्स उठाती है और उसमें से एक सिगरेट निकालती है हॉर्स ईगर टू प्लीज हॉ हॉर्स जो है वो उसे खुश करने की कोशिश करता है ंग दैट शी माइट हेल्प हिम और सोचता है कि शायद ये लेडी उसकी हेल्प कर दे चोर को ना बताए टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गिव हर हि सिगरेट लाइटर वो अपने ग्लव्ज उतारता है और लाइट light, लाइटर uh, देता है उसे सिगरेट को जलाने के लिए यू लेट मी गो ही हेल्थ लाइटेंड लाइटर टूअर्स हर वो लाइटर उसकी तरफ करके बोलता है कि अब तो मुझे जाने दोगी येस yes, हाँ ज़रूर बट ओनली इफ़ यू डू समथिंग फॉर मी लेकिन केवल तब जब तुम मेरे लिए कुछ करो एनी थिंग यू से जो भी तुम कहो बिफोर वी लेव फॉर लंदन जब हम लंदन के लिए निकले उससे पहले आई प्रोमिस माई हस्बैं टू टेक माई ज्वेल्स टू आ बैंक मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं अपनी सारी ज्वेलरी बैंक में जा कर रख दूँगी बट आई लेव दैम हेयर इन द सेफ लेकिन मैं उन ज्वेलरीज़ को गलती से यहाँ तिजोरी में भूल गई आई वॉन्ट टू बीअर दैम टू अ पारी टू नाइट और आज रात एक पार्टी है और मुझे वो ज्वेलरी उस पार्टी में पहननी है सो आई केम डाउन टू गेदम इसीलिए मैं नीचे आई उनको लेने के लिए बट लेकिन हॉर्स स्माइल्ड हॉर्स मुस्कुराता है यू हैव फोटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हाँ और आप शायद तिजोरी को तिजोरी को खोलने के लिए जो नंबर लगते हैं वो भूल गए हो हैव एन टू यू क्या ऐसा नहीं है येस हाँ रिप्लाई द यंग लेडी उस युवा और अपने जवाब दिया जस्ट लीव इट टू मे अरे कोई बात नहीं मुझ पर छोड़ दो एंड यूल हैव दम विद इन एन आवर और आप एक घंटे में अपनी जूलरी अपने हाथों में पाएंगी बट आई हैव टू ब्रेक योर सेफ लेकिन मुझे आपकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी डो वो अबाउट दैट इसकी चिंता मत करो माई हजबैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ मेरे जो पति हैं वो एक महीने और यहाँ नहीं आने वाले हैं एंड आई हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम और उस समय तक तो मैं तिजोरी ठीक करवा ही लूँगी विदिन एन आवर होरिस है ओपन द सेफ और एक घंटे में ही हॉरिस ने वो तिजोरी खोल दी थी गिवन हर द ज्वेल्स उसे वो ज्वेलरी दी एंड गोन हैपीली अवे और खुशी से वापस लौट गया फॉर टू डेज ही कैप्ट हिज प्रॉमिड टू द काइंड लेडी दो दिनों तक उसने उस काइंड लेडी को जो प्रोमिस किया था वो याद रखा ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे तीसरे दिन की सुबह हाउ एवर जैसे भी ही थाड ऑफ द बुक्स ही वॉन्टेड वो उन किताबों के बारे में सोचता है जो वो खरीदना चाहता था एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनेदर सेफ और वो जानता था कि अगर उसे वो किताबें खरीदनी है तो उसे अब एक और तिजोरी की चोरी करनी पड़ेगी बट ही नेवर गो द चानस टू बिगिन हिज प्लान लेकिन उसे कभी भी मतलब मौका ही नहीं मिला कि वो अपना प्लान शुरू करे बाई नोन अ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शोरोज दोपहर तक एक पुलिसमैन ने उसे अरेस्ट कर लिया शोड ओवर ग्रेंच के आ, तिजोरी को तोड़कर वहाँ से ज्वेलरी लूटने के जुर्म में हिज फिंगर प्रिंट्स फॉर ही फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स क्योंकि पुलिस को उसके फिंगर मिल गए थे क्योंकि उसने तिजोरी को बिना ग्लव्स पहने खोला था वर ऑल ओवर द रूम और साथ ही में उसके फिंगरप्रिंट्स पूरे कमरे में थे एंड नो वन बिलीव हिम वन ही सेट दैट ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस द सेफ फॉर हर और जब उसने सबको बताया कि खुद मालिक की पत्नी ने ही उसे तिजोरी खोलने के लिए कहा था किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया द वाइफ हर सेल्फ अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंगमेन ऑफ सिक्सटी और वो आ, जो ओनर की वाइफ थी वो तो एकदम सफेद बालो वाली मोटी सी बहुत तेज जबान चलाने वाली साठ वर्ष की एक महिला थी सेट दैट द स्टोरी वॉज नॉन कहती है कि ये कहानी एकदम नासमझी वाली है कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा हॉरिस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। हॉरिस अब जेल की लाइब्रेरी में एक असिस्टेंट प्रसिस्टेंट लाइब्रेरियन है ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लैव यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज वो अक्सर उस सुंदर चालाक युवा औरत के बारे में सोचता है जो कि उसी के तरह चोरी के काम करती थी एंड ट्रिक्ड हिम एंड हु ट्रिक्ड हिम जिसने उसे मूर्ख बनाया ही गेट्स वेरी एंग्री वन ही एनी वन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब लोग बात करते हैं कि चोरों के बीच में भी सम्मान होता है या ईमानदारी होती है ओके सो दिस वॉज अ चैप्टर आई होप आपको समझ में आया होगा बट स्टिल इफ यू हैव एनी राउट देन यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन विच क्लेस बुक और विच चैप्टर यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन ओके okay, यहां पे हमें एक ग्लोसरी मिली हुई है हे फीवर किसे कहते हैं अ डिसऑर्डर अफेक्टिंग द नोज एंड द द्रॉट कोज एलर्जी टू पॉलन डस्ट हल्की बर्फबारी और धूल की वजह से गले और नाक में होने वाली परेशानी को या एलर्जी को हम कह सकते हैं हे फीवर नाउ एम गोना शो यू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर होप यू लाइक देम इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग